नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ अननोन फैक्ट की कहानी बुधुबुरन गृह प्रवेश सीरियल की। इस शो की क्या रही है हिस्ट्री, बंगाली लैंग्वेज की ये सीरियल क्यों इतने ज़्यादा हिंदी डब्ड में पॉपुलर किए जा रहे हैं और इतना ज़्यादा क्यों पसंद किया जा रहा है इस शो को। साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे, इस शो को ऑफ एयर क्यों किया गया, क्या ये शो अब आपको गृह प्रवेश हिंदी डब्ड आपको नए अध्याय से देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इनके कुछ पास्ट के हिस्ट्री के ऊपर भी नज़र डालेंगे। आखिर बुधुबुरन सीरियल कब से कब तक चला है, बहुत कुछ आपको दोस्तों इस सीरियल के बारे में जानकारी जानने को मिलेगी, कहानी आपको कुछ सुनने को मिलेगा, अनटोल्ड स्टोरी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरे एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। गृह प्रवेश एक नई शुरुआत जो कि ऑफिशियल हिंदी डब्ड है बुधुबुरन का, जिसको हॉटस्टार ने इसको डब्ड किया है। वेल, ये शो हॉटस्टार का ही रहा है। स्टार जलसा पे पहले टेलीकास्ट हुआ करता था ये शो। 2013 में 19 अगस्त को पहली बार टेलीकास्ट हुआ था स्टार जलसा पे, जो कि मंडे टू संडे 6 PM शाम के 6 बजे इस शो को टेलीकास्ट किया जाता था। इस शो में आपको दो नॉन एक्टर देखने को मिलते हैं। ऐसे तो इस शो के कई सारे एक्टर्स हैं, कई सारे कलाकार हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए गए हैं, और सारे ही कलाकार बंगाली कलाकार हैं। कोलकाता के बंगाली आर्टिस्ट को दोस्तों इस शो में कास्ट किया गया है। लेकिन ये शो, अगर हम ये कहें कि सात दीवाना साथिया का ऑफिशियल रीमेक है, या फिर उसी से इस शो को उठा के उसकी कुछ कहानी मिलती जुलती है, या फिर इस कहानी के स्क्रीन प्ले बहुत हद तक मिलता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये शो ऑफिशियल रीमेक है सात दीवाना साथिया का, जो कि स्टार प्लस का काफ़ी पॉपुलर सीरियल रहा है। इस सीरियल को पहले हिंदी में बनाया गया था, बाद में बंगाली में इस शो को इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख बुधुबुरन के नाम से स्टार्ट किया गया। लेकिन बुधुबुरन दोस्तों, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज का टीवी सीरियल है, आखिर ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इसकी कहानी है दोस्तों, बुधुबुरन की पॉपुलर होने की कहानी है इनके स्क्रीन प्ले के एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा इनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्टर्स के परफॉर्मेंस और इनके स्क्रीन प्ले, जो कि साथ निभाना साथिया से भी ज़्यादा पॉपुलर इस सीरियल को कर दिया है। ये एक पहले तो जब स्टार्ट हुआ था तो एक बंगाली लैंग्वेज का ये एक रीजनल टीवी शोज था, लेकिन बाद में जब ये शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो इस शो को स्टार ने मन बना लिया कि इसको भी हिंदी डब्ड करके स्टार उत्सव पर रिलीज किया जाएगा। इस सीरियल को मेट्रोपोलिस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया गया था, बाद में हॉटस्टार ने इसकी राइट्स लेके इसको डब्ड किया। इस शो में टोटल एपिसोड 1163 टेलीकास्ट किया गया था, इसका फर्स्ट सीजन था बुधुबुरन का। वेल, मेकर्स ये भी डिसाइड कर रहे हैं बहुत ही जल्दी बंगाली में ये शो सीजन 2 के भी नाम से आ सकता है। आपको बहुत सारे कलाकार वही देखने को मिलेंगे जो कि सीजन 1 में थे, लेकिन अभी ये कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और ये शो अगर सीजन 2 में आता है तो ये सीजन 2 बंगाली में होगा, न कि हिंदी में, क्योंकि हिंदी में दोस्तों ये शो नहीं आएगा। आगे हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये शो हिंदी डब्ड में स्टार उत्सव पे फिर से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्या रही है स्टार उत्सव की हिस्ट्री, सब कुछ जानेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये जानना ज़रूरी है इस शो की स्क्रीन प्ले किसने लिखा था। ये शो बेशक ही रीमेक हो, ऑफिशियल रीमेक हो, लेकिन इस शो की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने का काम किया था अशिता भट्टाचार्य जी ने, जो कि बहुत ही पॉपुलर स्टोरी राइटर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं। इस शो के डायलॉग्स लिखे थे सयान चौधरी ने, और इस शो को डायरेक्ट किया था बाबू नायक और चित्रा बानू बासु ने। तो दो डायरेक्टरों ने इस शो को डायरेक्ट किया है, और इस शो का ओपनिंग थीम बुधुबुरन था, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज का शो है। लेकिन गाइस, इस शो को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि इस शो ने 19 अगस्त 2013 में स्टार्ट होके 29 जनवरी 2017 तक राज किया स्टार जलसा के चैनल पे, और इसी की वजह से यही एक मुख्य कारण है, यही एक मेन रीज़न था इस शो को स्टार उत्सव पे भी रिलीज़ किया गया, क्योंकि जब इसकी इतनी बढ़ती पॉपुलैरिटी को मेकर्स ने देखा तो उन्होंने मन बनाया कि इसको अब हॉट स्टार पे हिंदी डब्ड किया जाए। तो इसकी हिंदी डब्ड के राइट्स स्टार उत्सव के पास हैं, हॉट स्टार के पास रिजर्व हैं, और ये शो पहले भी हॉट स्टार
का ही था। अब आते हैं, बात करते हैं आखिर ये शो को क्यों बार बार कहा जाता है, साथ निभाना साथिया का रीमेक है या फिर ये ऑफिशियल रीमेक है, आखिर इन दोनों शो से क्या रिलेशन है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी अगर आपने इन दोनों ही शो को देखा है, साथ निभाना साथिया और बोधुबुरन। तो ये दोनों ही शो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, सास की बहू की और इनके फैमिली ड्रामा जिस तरीके से उसमें दिखाया गया था, हूबहू बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है इन दोनों शोज़ में। जिस तरीके से गोपी का कैरेक्टर था साथ निभाना साथिया में, ऐसा ही कुछ अपोजिट कैरेक्टर कनक के नाम से यहाँ पे प्रमिता चक्रवर्ती का था। तो दूसरी तरफ देबोलीना भट्टाचार्जी ने साथ निभाना साथिया को पॉपुलर किया था और इनके एक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छे दमदार परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन ये शो दोस्तों एक हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को साथ निभाना साथिया से भी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसके बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक सीन जो कि और भी ज़्यादा इस शो को हिट और सुपर हिट बनाता है। अब आइए नज़र डालते हैं इस शो के कुछ लीड कास्ट के बारे में। इस शो में बंगाली लैंग्वेज की, ये शो में आपको गौरव चटर्जी जो कि एक नोन एक्टर हैं, नोन आर्टिस्ट हैं, और इनके साथ साथ इनके ऑपोजिट प्रमिता चक्रवर्ती को देखा जा सकता है आपको इस शो में। इनके अपोजिट कास्ट किया गया था प्रमिता चक्रवर्ती को। अंजना बासु जो कि सास के कैरेक्टर में थी, तो वहीं पे झिलमिल के कैरेक्टर में भी आपको काफ़ी नोन एक्ट्रेस देखने को मिली थी। मैंने इन सभी पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आप इनके एक्टर्स की कुछ कहानी जानना चाहते हैं, अनटोल्ड स्टोरी जानना चाहते हैं, रियल लाइफ की इनकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को चेक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारे ही वीडियो का, तो आप जाके देख सकते हो। इनके सभी की अनटोल्ड स्टोरी हमने बना रखा है ऑलरेडी, और आप आने वाले दिनों में किस नए एक्टर्स की अनटोल्ड स्टोरी जानना चाहोगे, अननोन फैक्ट जानना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं आखिर जब ये शो इतना पॉपुलर था तो इस शो को स्टार उत्सव पर अचानक से बंद किया गया, क्या ये एक वैलिड रीज़न है या फिर ये एक टेक्निकल इशू था। स्टार उत्सव की अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालें तो स्टार उत्सव ने बीते पिछले दिनों बहुत सारे शोज ऐसे बंद किए हैं, तो अचानक से स्टार्ट भी किया है। इससे पहले मन की आवाज़ प्रतिज्ञा का सीजन वन जो कि स्टार प्लस से ऑफर हो गया था, उसके बाद स्टार भारत पर रिलीज किया गया, बाद में इस शो को स्टार भारत से ऑफर किया गया, स्टार उत्सव पर रिलीज किया गया और ये शो भी बीच में ही ऑफर कर दिया गया था। तो ये एक मेन रीजन है। इसके अलावा आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुम है किसी के प्यार में, साथ निभाना साथिया, बहुत सारे शोज देखे होंगे जो स्टार उत्सव से आए दिन गायब हो जाते हैं या फिर आए दिन ऑफर हो जाते हैं। तो आप वेट कर सकते हो, मैं आपको कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कहूंगा कि इनको इस शो को वापस से लाया जाएगा, लेकिन हाँ कुछ टाइम आप वेट कीजिए, अप्रैल के महीने से हो सकता है आने वाले दिनों में स्टार उत्सव इस शो को वापस से रिक्रिएट करे, रीटेलीकास्ट करे, क्योंकि अभी तो फिलहाल धमाकेदार एपिसोड, महा एपिसोड चलाए जा रहे हैं गुम है किसी के प्यार में, जो कि स्टार प्लस का ही पॉपुलर सीरियल है। तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा, ये शो आएगा तो ज़रूर स्टार उत्सव पे, लेकिन इसकी क्या टाइमिंग होगी और नए सिरे से क्या आगे के एपिसोड को दिखाया जाएगा या अब पुराने ही एपिसोड को फिर से दिखाया जाएगा, इसके बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर ये शो वापस से आता है और वापस से टेलीकास्ट होता है स्टार उत्सव पे, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस शो को नए एपिसोड से ही टेलीकास्ट किया जाएगा, आगे के एपिसोड से टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। वैसे तो ये शो 4 साल से भी ज़्यादा राज कर चुका है टीवी सीरियल इंडस्ट्रीज पे, तो इस शो को दोस्तों ऑफर करना मुझे नहीं लगता है कि एक लाजमी रीज़न है और एक वैलिड रीज़न हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है ये शो स्टार उत्सव पे। अब आते हैं, बात करते हैं इस शो की, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम इस एपिसोड को, हम इस शो को कहाँ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं स्टार उत्सव के अलावा। तो ये शो अवेलेबल है हॉटस्टार के ऐप पे, लेकिन आप अगर बंगाली लैंग्वेज समझ सकते हैं, अगर आप बंगाल के हैं तभी आप इस शो को एंजॉय कर पाएंगे, वरना आप अगर इनके लैंग्वेज को, इनकी लिपसिंग को समझ सकते हो तभी आप इस शो को हॉटस्टार पे देख सकते हो। गृह प्रवेश एक नई शुरुआत के नाम से इस शो को अभी हॉटस्टार पे नहीं डाला गया है, तो ये शो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, और देखते हैं आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी आपको ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग के सारे आंसर्स मिल गए होंगे, आप लोग को दोस्तों ये अनटोल्ड स्टोरी और इन एक्टर्स की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अगर आप
चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। हमसे आप जुड़ना चाहते हैं और हमसे और करीब आना चाहते हैं तो जाइए फॉलो कीजिए हमें सोशल मीडिया हैंडल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आगे की छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।